कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम यानी आयुष्मान भारत इस साल अक्टूबर से शुरू हो सकती है। हालांकि इस योजना को लेकर फिलहाल किसी खास तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% खर्च वहन करेगी। केंद्र में बीजेपी की अगुवाई में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है और इसका असर अगले लोकसभा चुनाव में भी दिख सकता है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी 10 खास बातें जो आम लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकती है। नंबर 1, योजना का लक्ष्य 10.7 करोड़ परिवारों या देश की करीब 40% आबादी को इससे जोड़ने का है। नंबर 2, मोदी केयर के तहत हर परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। नंबर 3, योजना से जुड़ने वाले परिवारों के सदस्यों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी। नंबर 4, इस योजना के तहत किस तरह के परिवारों को फायदा होगा इसका फैसला आर्थिक आधार पर किया जाएगा। नंबर 5, योजना के दायरे में आने वाले परिवारों को सरकारी और चुने हुए प्राइवेट अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी, साथ ही देश भर में कहीं भी इलाज की सुविधा ली जा सकती है। नंबर 6, आयुष्मान भारत योजना बिल्कुल कैशलेस होगी। नंबर 7, इसमें बीमा कवर के लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। नंबर 8, आयुष्मान योजना के तहत 1.5 लाख स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाएंगे, इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हो सकती है। नंबर 9, देश में नए स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, साथ ही डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए देश भर में 24 जिला अस्पतालों को अपग्रेड करते हुए मेडिकल कॉलेज में तब्दील कर दिया जाएगा, जिससे इन मेडिकल कॉलेजों में इलाज के साथ साथ नए डॉक्टर्स भी तैयार होंगे। नंबर 10, प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किया जाएगा। अभी प्रस्तावित प्रीमियम 1200 रुपए तय किया गया है, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन सकी है। NMF News की रिपोर्ट।